आज आपां तैयार कर रहे हैं जी इन्हां कुछ चीजां तो गर्मी स्पेशल एनर्जी भरपूर ड्रिंक जेड़ा के तुहाडे शरीर दी हर किसी कमजोरी नूं दूर करेगा। छोटे बच्चे तो लैके बुजुर्ग तक कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इहदे विच केड़ी केड़ी चीज आपां किन्नी क्वांटिटी च लई है ते इहनूं किस तरह आपां तैयार कीता, किन्नी देर इहनूं आपां स्टोर करके रख सकदे हो, अगे तुसीं वीडियो च देखो जी। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम, जय माता दी। कैसे हो सब? स्वागत है तुहाडा सारिआं दा मेरे चैनल रूप ब्लॉगर ते। तो फ्रेंड्स, शुरू करदे आपां अज्ज दी वीडियो। अज्ज दी वीडियो जिहड़ी है बहुत ही खास होण वाली है। खास गर्मियां दा इक ड्रिंक दी आपां वीडियो तैयार करन लगे आ। इह ड्रिंक जिहड़ा वा बहुत ही एनर्जी भरपूर हुंदा। इहनूं आपां प्रोटीन शेक भी बोल सकदे आ। इह इहो जिहा ड्रिंक आ कि तुहाडे पैरां दे नहुं तों लै के सिर दे वाल तक दी किसे वी किस्म दी जे कोई कमजोरी है ते उह ठीक कर देगा। जिवें कि मन लो तुसीं नज़र कमजोर आ तुहाडी, चाहे दिमाग तों कई खुश्क हो जांदा ना, कईआं दा दिमाग कई जिवें दिमाग तो कमजोर होंगे ने बच्चे, उन्हां वास्ते, फिर जोड़ां दे दर्दां वास्ते, यानी कि जिवें पूरी बॉडी नूं ताकत देने वास्ते जिहड़ा आपां ड्रिंक तैयार करांगे। तो वह आपां जिहड़े बहुत घट्ट समान तो ड्रिंक तैयार करांगे। आपां जिवें प्रोटीन शेक बाहरों लैके आउंदे आ उहदे नाल तुसीं घरे तैयार कर लो, वह सब तो वधिया वा। तो उहदे विच आपां किहड़ा किहड़ा समान पाउण लगे हो आपां तुहानूं दस्सदे। इह दो वड्डियां कौलियां आपां लै आ जी फुल मखाणे। फुल मखाणे तुहानूं पता कैल्शियम भरपूर हुंदे ने, ते इहनां नूं आपां इदां रोस्ट कर लैणा, सुक्के ही, कोई तेल नहीं पाउणा, कुछ नहीं। ते इह हड्डियां दी कमजोरी नूं दूर करदे ने, यानी कि हड्डियां नूं मजबूत बनाउंदे ने, ते कैल्शियम दी कमी नूं जिहड़ा वा पूरा करदे ने। वैसे भी जे किसे ने वजन घटाउणा उहदे वास्ते भी फुल मखाणे जिहड़े बहुत ही वधिया हुंदे ने। इहनां नूं आपां क्रंची जे करना वा, लाल नहीं करना ज़्यादा, फिर नहीं तो जिहड़ा टेस्ट वा वधिया नहीं आउणा। इहनूं थोड़ा जिहा आपां घट्ट सेक ते हिलाउंदे हुए पकाउणा। फुल मखाणे अपने जिहड़े उह रोस्टर हो चुके ते इहनां नूं आपां कढ दिंदे। ते इस कढ़ाई दे विच आपां पा रहे हां जी बादाम नाल इहदे, ते नाल पा रहे हां जी इहदे आपां इह अखरोट, क्योंकि बादाम आ जिहड़ा उह वी दिमाग तेज करदा वा, ते नाल जिहड़ा अखरोट आ इह वी दिमाग दी शक्ति वास्ते बहुत ही वधिया हुंदा है। सो जिन्नी क्वांटिटी च तुसीं बनाउणा उन्ने तुसीं इहदे विच अखरोट ते बादाम पा सकदे हो। आपां जिवें दो कौलियां वड्डियां फुल मखाणे दीआं लईआं, ते अद्धी अद्धी कौली जिवें बादाम ते अद्धी कौली ही अखरोट आपां पावांगे। नाल इहदे पा देंगे आपां अखरोट। इन्हां नूं आपां थोड़ा जिहा भुन लैणा, क्योंकि जिवें मान लो थोड़ी बहुत सिलन इन्हां 'च होगी ना, तो चंगी तरह निकल जूगी, तो इन्हां दी जिहड़ी लाइफ आ, यानी जिहड़ा आपां इह पाउडर तैयार करना उह वध जूगी। जिवें थोड़ी भी चीज़ कोई इहो जिही विच सलाबी रहि गई, तो जिहड़ा पाउडर आ जिवें तुसीं लंबे टाइम तक रख नहीं सकदे, तुसीं इहनूं पाउडर नूं बना के 6 महीने तक भी रख सकदे हो फ्रिज। हुण इह वी अपने जिहड़े भुज चुके ने, तुसीं चाहो तो इहदे विच काजू भी पा सकदे हो, जे तुहानूं भी फैट तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जे तुसीं पतले होण वास्ते पाउडर बना रहे हो भी पहलां ही तुहानूं ठीक है बॉडी तुहाडी, तां फिर तुसीं इहदे विच काजू जिहड़े आ उह स्किप कर सकदे हो। जे तुसीं बच्चिआं वास्ते बना रहे हो तां फिर तुसीं इहदे विच काजू भी पा सकदे हो। ते नाल आपां होर इहदे विच किहड़ा समान पावांगे उह आपां तुहानूं दस दिंदे आ भी जिवें आ चीज़ां आपां पाइयां वा, इहनां दे विच हुंदी आ जी गरमैश, यानी कि इहनां दी तासीर जिहड़ी हुंदी आ उह गर्म हुंदी आ। आपां इहनूं गर्मी दे विच बनाउण जा रहे हां, ते इहदी गर्मी नूं लैवल करन वास्ते आपां पा रहे हां 1 वड्डा चम्मच इहदे विच सौंफ। सौंफ हुंदी है जी ठंडी, ते नाले अखां दी रोशनी वास्ते भी बहुत वधिया हुंदी है। ते नाल इहदे पा रहे आपां 4 मगज। तुसीं चाहो इत्थे कद्दू दे बीज भी पा सकदे हो जिहड़े हरे रंग दे हुंदे, उह भी ठंडे हुंदे ने। आपां इहदे विच 2 वड्डे चम्मच जिहड़े आ इह मगज पा रहे हां, ते नाल इहदी तसीर नूं होर ठंडा करन वास्ते इहदे विच आपां इस्तेमाल कर रहे हां जी धागे वाली मिश्री दा, क्योंकि धागे वाली मिश्री जिहड़ी आ उह ठंडी हुंदी आ, वैसे भी शरीर वास्ते बहुत ही लाभदायक हुंदी आ। इहनूं पाउडर नूं होर ज़्यादा टेस्टी बनाउण वास्ते इहदे विच पा रहे आपां भुज्जे छोले, वह आप पा रहे अद्धी कौली तो थोड़े जे घट, तुसीं देख सकते हो इन्ने क आप जिहड़े 2 वड्डियां कौलियां फुल मखाने दे विच चने पा रहे हैं। तो इन्हां नूं भी थोड़ा थोड़ा आप रोस्ट कर लाँगे। इत्थे गैस आप बिल्कुल बंद कर दिता वा, बस जिहड़ी कढ़ाई गर्म हो उसे नाल ही आप इन्हां चीज़ां नूं भुनना। खुशबू बहुत वधिया आउंदी है जदों तुसीं इदां बनाओगे ना किचन दे विचों, ते बच्चे जिहड़े मंग मंग के खाणगे तुहाडे कोल भी पाउडर ही इन्ना स्वाद लगता वा, जदों ये जिहड़ा बन जाता शेक होर ज़्यादा टेस्टी लगता। हुण इह वी चीज़ां सारियां भुज चुकियां ने, इन्हां नूं आपां कढ लैणे। हुण इह सारियां चीज़ां आपां भुन लईआं, ते इन्हां नूं आपां थोड़ा जिहा ठंडा भी कर लिया, ते हुण इन्हां दा आपां करदे हां जी पाउडर तैयार। जे तुसीं सर्दी 'च बनाउण जा रहे हो तां सर्दी वाला जिहड़ा पाउडर आ उह आपां पहलां चैनल 'ते वीडियो तैयार करके पाई आ, तुसीं उह वी देख सकदे हो। उहदे विच होर 1-2 चीज़ां जिहड़ियां वध पैंदियां ने, इह आपां सिर्फ गर्मी वास्ते बना रहे हां भी गर्मी दे विच वी आपां नूं एनर्जी दी जरूरत हुंदी आ। आपणा शरीर जिवें थकावट रहिंदी हमेशा डिगू डिगू शरीर करदा है, ते शरीर दी कमजोरी नूं आपां किस तरह खत्म कर सकदे हां घरेलू नुस्खे ना उह आपां तुहानूं दस रहे हां। तो हुण इह सारा समान जिहड़ा आपां
पीस लेने। देखो जी अपना ये जेड़ा पाउडर है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। इदां दा जेड़ा आपां पाउडर बना के 6 महीने तक रख सकते हैं तो फिर इन्हू आपां दुध दे विच पा के ड्रिंक जेड़ा तैयार कर सकते हैं। दुध विच पा के ड्रिंक किवें तैयार करना वह आपां तुहानू अगे दसदे हां। हुण इन्हू आपां एक भांडे च कढ लैंदे हां ते इसे जग दे विच जिवें आपां तुहानू दस्सिया वी छोटी छोटी करके आपां इदां मिश्री देखो छोटे छोटे पीस कर लिया ते इन्हू आपां पीस लैंदे हां। मिश्री दा वी देखो अपना जेड़ा पाउडर तैयार हो चुका इन्हू भी सारा आपां इहदे विच मिक्स कर दिंदे हां। शुगर पेशेंट जिहड़े बना रहे हो भी तुसीं ये मिश्री चाहे खंड तो मिठे तो थोड़ा जिहा तुसीं परहेज करदे हो तो फिर तुसीं बिना मिठे तो भी बना सकदे हो। इस पाउडर दे विच जिहड़े आपां ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कीते उहनां दी अपनी मिठास आ ते जदों आपां इहनूं दुध दे विच इस्तेमाल करांगे दुध दी अपनी मिठास हो जाणी आ। हुण इह जिहड़ा पाउडर तैयार हो चुका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुंदा वा। इहनूं तुसीं इस तरह भी इस्तेमाल कर सकदे हो ते बच्चे जिहड़े आ आराम नाल खा सकदे आ क्योंकि इहदे विच कुछ भी इहो जिही चीज़ नहीं है जिहड़ी बच्चे नूं ना पसंद आवे। तो वैसे तुसीं इहदा ड्रिंक किवें तैयार करना वह आपां तुहानूं दस दिंदे हां। आपां एक गिलास दुध लिया जानी कि एक गिलास ही आपां इहदे विच शेक बना रहे हैं। जे तुसीं ज़्यादा बनाउणा तां ज़्यादा गिलास लै सकदे हो। आपां तुहानूं दस रहे हां कि क्वांटिटी किन्नी लैणी चाहीदी आ। एक गिलास दुध दे विच एक चम्मच जिहड़ा तुसीं बच्चे वास्ते बना के उहनूं पिया सकदे हो ते जे तुसीं स्याणे पी रहे हो तो फिर इहदे विच तुसीं 2 चम्मच जिहड़े उह पा सकदे हो। हुण एक गिलास दे विच आपां 2 चम्मच पाते ते इहनूं सिर्फ आपां 2-3 मिंट जिहड़ा रिझण देणा जाणी कि दुध जदों गाढ़ा जिहा हो जाए पाउडर जिहड़ा इहदे विच थोड़ा जिहा फुल जूगा ते फिर आपां इहनूं दुध नूं उतारांगे। इत्थे हुण तुसीं जे ज़्यादा मिठे दे शौकीन हो तुसीं इहदे विच चीनी शक्कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकदे हो पर असीं इहनूं इस तरह ही इस्तेमाल करदे हां। तुसीं मेरी डलॉजी वाली वीडियो दे विच भी देखा होगा कि आपां इह जिहड़ा पाउडर लगातार घरे बना के ही रखदे हां। इहनूं तुसीं इदां पाउडर नूं बना के 6 महीने जिन्ना चिर भी तुहानूं लगदा है कि तुहाडे शरीर दे विच ताकत की कमी आ जां कमजोरी है तुहाडे शरीर नूं ते तुसीं इस पाउडर दा जिहड़ा इस्तेमाल कर सकदे हो। ते देखो रिझण लग पिया दुध ते इहनूं आपां इदां हलाउंदे हुए पकाउणा है। जदों तुसीं सर्दियां दे विच बनाउणा ते इहदे विच तुसीं खजूर जिहड़ी हुंदी आ ते छुहारे जिहड़े हुंदे आ उह इस्तेमाल कर सकदे हो। जे बच्चियां वास्ते बना रहे हो ते तुसीं छुहारे जरूर पाउणे ते छोटे बच्चे आ जिवें कईआं बच्चियां दी प्रॉब्लम हुंदी आ कि उहनां दा बाथरूम जिवें उपर ही निकल जांदा। कई मैनूं मैसेज भी आए सी कि मैडम साडे बच्चे जिहड़े आ बाथरूम जिहड़ा बिस्तरे दे उपर ही कर दिंदे आ। सो उह वी कमजोरी हुंदी आ इक ते उह कमजोरी नूं दूर कर सकदे आ आपां इहदे विच जिहड़े पाउडर दे नाल नाल छुहारे च खजूरां जिहड़ियां हुंदियां उह इस्तेमाल करके। हुण रेह दा दुध जिहड़ा देखो गाढ़ा हो गया ये मैं गां दा दुध जिहड़ा इस्तेमाल कर रही हाँ। जे तुहानूं फैट की कोई प्रॉब्लम नहीं है भी कोई दिक्कत नहीं है तुहानूं तो फिर तुसीं इहदे विच मझ दा दुध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट जे तुसीं बच्चों वास्ते बनाउण जा रहे हो तो तुसीं गां दा दुध ही इस्तेमाल करो क्योंकि उही बच्चों वास्ते फायदेमंद हुंदा। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਿੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੌਂਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੌਂਫ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸੌਂਫ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਣ ਕੇ ਪਾਇਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਰਿੰਨਿਆ ਵਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਊਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗਲਾਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਲ ਚਾਹੇ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਵੀ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਸਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਐਨਰਜੀ ਫੂਡ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾ
के एक दुध पी के जा सकते हो। तो जे तुसी किते दूर जा रहे हो तो पाउडर नाल जिहड़ा बना के खड़ सकते हो, जिवें आपां इहनू भर के हुण डब्बे दे विच रख लांगे ते इहनू 6 महीने जिवें पहलां आपां दस्सिया वी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इहने पाउडर नूं वी असीं भर के डब्बे दे विच रख लांगे, इदां ही जदों साडा डब्बा खाली हो जांदा फिर इहनू छेती आपां इदां ही असीं बना के ते इहनू भर के रख लईदा वा, फिर जदों वी ड्रिंक इस्तेमाल करना उदों आपां बना लेना। वैसे तुसीं डेली जे तुहानूं कमजोरी ज़्यादा महसूस हो रही है शरीर नूं ते डेली तुसीं लगातार 3 महीने इस चीज़ का जिहड़ा इस्तेमाल करोगे ना तो शरीर दीआं सारीआं ही कमजोरियां जिहड़ियां बिल्कुल खत्म हो जाएगियां बिना दवाई तो, एक गरंटी है मेरी। मेडिसिन बहुत खाने वो एक मेडिसिन खावे तो वो दूसरा होर कोई प्रॉब्लम हो जाऊगी। सो ये जो नैचुरल चीज़ आ हड्डियाँ की जी किटकिट कई कहते हैं ना आवाज आती है, कई मैं बहुत कमेंट आ रहा है लाइव च भी मैं पूछा जा रहा है मैडम जोड़ों के जोड़े दर्द आ वह बहुत ज्यादा होंगे है, मान लो 60-65 के साल के आ कोई भी चाहे लेडीज़ आ चाहे कोई जेंट्स आ वह तो सुभाविक होने हैं तो उन्होंने जोड़े जोड़ों के दर्द आ इस पाउडर न ही बिल्कुल ठीक हो जाने हैं। बाकी जिन्हें एज तो पहला वाल चिट्टे हो रहे हैं वह भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि यह सिर की कमजोरी नूं भी दूर करता है। ये आप सौंफ तो मिछरी जी इस्तेमाल की है तो लो जी अपना यह डब्बा जो फुल हो चुका है यू आप इदा रख लेंगे तो यह कर लिया जी आप ड्रिंक तैयार। तुसी किसी वेले भी बच्चों गर्मी के सर्दी के कदों भी बना के दे सकते हो, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंदा। हुण तुसी मैनूं कमेंट करके दस्सो कि तुहानूं साडी अज्ज दी वीडियो किदां दी लगी है, कि जिहड़ा आपां गर्मियां दा स्पैशल एनर्जी ड्रिंक बनाया वा। जे वीडियो चंगी लगी तो लाइक ते शेयर दब के कर दिओ जे, जिहड़े मेरे चैनल ते नवे आए ने उहनां नूं रिक्वेस्ट आ जी मेरे चैनल रूप ब्लॉगर नूं सबसक्राइब जरूर कर लैण, बैल बटन दबाउणा ना भुल्लण ताकि नैक्सट वीडियो नोटिफिकेशन उहनां नूं मिलदी रहे। हुण इस वीडियो तां करदे जी इत्थे एंड ते इह शेक पी के करदे इंजॉय, मिलदे आ नैक्सट वीडियो, तद तक लई बाय।